मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। तो बागवती जी कहते रसोई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सब वही है। भागवत जी ने एक सूत्र लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है। सबसे बड़ा औषधि केंद्र रसोई घर है। अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना, मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औषधि है। मसाले का और औषधि का अंतर मालूम है? ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, पहले तो ये बता दूं। ये अरबिक शब्द है, फारसी से अरबी में आया, अरबी से हमारे घुस गया, हिंदी में और जगह जगह घुस गया। ये विदेशी आए तो ये शब्द भी आया। हिंदुस्तान में 17वीं-18वीं शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूं तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उपयोग है। मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है। चरक संहिता पढ़ी मैंने, कहीं भी मसाला नहीं है उसमें। सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं है। बागवत की कहीं मसाला नहीं है। पुराने जितने लेखक हुए हैं ना 10वीं शताब्दी के पहले के, कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हर जगह है तो औषधि है, औषधि औषधि, जीरा औषधि, धनिया औषधि, ये औषधि के रूप में है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की औषधियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए है। अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहनें, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सब्जी बनाना तो क्या क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी कितनी चाहिए, वो सब बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक लोग रहे होंगे। क्योंकि रोज हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह सुबह, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 24 घंटे में जो बात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया, तो उसने कहा मेरी माँ ने ऐसा सिखाया। बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है, उसकी माँ ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त बढ़ता है आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त बढ़ना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती हैं कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए। दोपहर का दही है ना, दही का मट्ठा, उसमें भी अजवाइन का बघार लगता है। दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती है, क्योंकि पित्त को सम पे रखना है। तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उसका वैल्यूएशन नहीं किया, ये हमारी मूर्खता। मैं अब इसको बदलना चाहता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि स्त्रियां जो कर रही हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाइस ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वो ये एडवाइस दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। और ये 3500 साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होती ही है, कभी भी आप करके देखो। तो वो कहते हैं बागवत जी के पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन। अब तीसरी चीज पे आते हैं,
पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा। जीरा दो तरह का है, एक सफेद और एक काला, है ना। काला जीरा सफेद से भी अच्छा है। आप एक नियम ध्यान रख लो, मैंने आपसे कल कहा था, जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी, भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की नहीं। मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है, बहुत गहरे रंग का है। भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकृति की बनाई जो चीज जितने गहरे रंग की है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। तो जीरा दो है, एक सफेद और एक काला। काला जीरा सबसे अच्छा, पित्त को खत्म करने के लिए, सम रखने के लिए। तो आपके रसोई में एक हो गया घी, देशी गाय का, पित्त को खत्म करने। दूसरा हो गया अजवाइन। तीसरा हो गया जीरा। और एक चीज, हींग। हींग तो आप सब समझते हैं ना, हींग। हींग भी भगवान की बनाई हुई है, आदमी ने नहीं बनाई। हींग के पहाड़ होते हैं, जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, वैसे हींग के पहाड़ होते हैं। हींग वहीं से आती है। तो हींग है, जीरा है, अजवाइन है और देशी गाय का घी। अब इसके नीचे आता है धनिया। धनिया दो तरह का है, एक सूखा और एक हरा। जब तक हरा उपलब्ध है आप खाइए, जब नहीं है तो सूखा खाइए। दोनों की क्वालिटी एक ही है। सूखे धनिया में कोई कमी नहीं आती। आपके मन में यह प्रश्न है ना, हरे पत्ते का धनिया में कुछ ज्यादा होगा, सूखे में कम, बिल्कुल नहीं है। दोनों में बराबर है। सूखने के बाद भी उसके गुणधर्म में कोई कमी नहीं। अब ऐसी पूरी लिस्ट है, मैंने तो आपको 5-7 बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या। आपको पूरी लिस्ट है तो 108 है। 108 पित्त को खत्म करने के लिए रसोई में 108 चीजें हैं। वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब है, आप ले लेना। एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंभीर रोगों की चिकित्सा, इसमें ये सूची है। और थोड़ी सी अष्टांग हृदयम के भाग 3 में भी है, भाग 2 में भी है, थोड़ी थोड़ी है। थोड़ा आगे बढ़े, कफ की सूची मैंने बताई आपको। कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़। गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद। जैन है तो शहद मत खाइए, ये मेरी भी विनती है आपको, क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा जो आपसे कहूं कि शहद खाओ, और मुझे तो मोक्ष में जाना है तो पाप की गठरी क्यों ला दूं। तो आप जैन है तो बिल्कुल शहद मत खाइए। अजैन है माने जैन नहीं है, तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं, ना खाएं तो और भी अच्छा, क्योंकि अपने पास शहद का विकल्प है गुड़। जब गुड़ ना रहे तब सोचें। इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में। कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई भागवत जी ने वो है सोंठ। सोंठ, सोंठ का ही एक दूसरा रूप है अदरक। अदरक से अच्छी है सोंठ। कारण क्या है, अदरक जब सूख जाता है तभी सोंठ बनती है, और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है। हाँ, ताजा अदरक है ना, उसका गुण जितना नहीं है, सूखे हुए अदरक माने सोंठ का गुण लगभग 100 गुना बढ़ता है।